बहुत सारे वक्ताओं को बुलवाना है, लेकिन चूंकि हम लंबे समय से संबोधन ही चल रहे हैं, बहुत सारे वक्ताओं को बोलना था, लेकिन अब चूंकि पायलट साहब पधार चुके हैं तो अब कार्यक्रम केवल पायलट साहब के आगमन के साथ स्वागत सत्कार का उनके अनुसार ही संबोधन का रहेगा। इसलिए सभी वक्ताओं से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, केवल व्यवस्थाओं पर अपन फोकस रखेंगे। पायलट साहब का ये कारवा आप देख सकते हैं, एक ऐसा जनसैलाब जिसने एक इतिहास रच दिया है, और पायलट साहब के आगमन के साथ ही जिस तरीके से मौसम सुहावना हुआ है, कितना अद्भुत सुहावना मौसम है। टेंट व्यवस्था के अलावा मां प्रकृति और परमात्मा ने भी नेचुरल टेंट की छाया की व्यवस्था कर दी है। एक बार जोरदार ताली से परमात्मा की उस असीम कृपा के लिए अभिनंदन स्वागत। बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की, बोले देवधनी दरबार की, भारत माता की, श्री सचिन पायलट साहब। दादा नारे लगाओ, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट कैसा हो, आयो रा आयो शेर आयो, आयो रा आयो शेर आयो, आयो रा आयो शेर आयो, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। एक अद्भुत सैलाब आदरणीय महबूब नेता श्री सचिन पायलट साहब के सम्मान और स्वाभिमान में आप देख सकते हैं, अद्भुत सैलाब है। श्री विजयनगर की इस पावन धरती पर ऐतिहासिक संगम है किसान महासम्मेलन का, श्री सचिन पायलट साहब के सम्मान में। आदरणीय साथियों कृपया व्यवस्था को बनाए रखें, आप स्टेज पर कृपया भीड़ नहीं, बिल्कुल दे देंगे हुकुम। मैं निवेदन करना चाहूं कि मंच पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कृपया तुरंत जो है मंच को खाली करने की कृपा करें। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। आप सभी से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पायलट साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। अद्भुत सैलाब श्री विजयनगर की इस धरती पर एक बहुत बड़ा संगम हम सबको देखने को मिल रहा है, और सबका स्वागत करने के लिए आदरणीय पायलट साहब आप सबके बीच में हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बहुत शानदार जानदार, आई लव यू सचिन पायलट, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आदरणीय पायलट साहब हमारे मध्य पधार चुके हैं। पायलट साहब के साथ पधारे हुए सम्माननीय श्री वेद प्रकाश जी, सम्माननीय श्री महेश जी जोशी पूर्व मंत्री, और हमारी लाडली नेता नसीम अख्तर। कृपया मंचासीन होने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया स्टेज खाली करें, अनुशासन को बनाए रखें, कृपया पहले स्टेज को खाली करें। बहुत आभार अभिनंदन और विशेष बधाई हमारे मसूदा के लोकप्रिय विधायक भाई राकेश जी पारिक साहब को, और बधाई हमारे युवा नेता समाज सेवी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सम्माननीय भाई संग्राम सिंह जी गुजर साहब। एक बार संग्राम जी की मेहनत के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन। संग्राम सिंह जी गुजर साहब जिंदाबाद, और आदरणीय विधायक महोदय जिनके नेतृत्व में आज पायलट साहब के हाथों से 600 से अधिक 600 अबव विकास कार्यों का
उद्घाटन समारोह अभी डिजिटल स्लाइड के माध्यम से होने वाला है। एक बहुत बड़ी सौगात, लगभग 13 करोड़ रुपए के सैकड़ों विकास कार्यों को आज लोकार्पित करने का अवसर है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विधायक महोदय मसूदा सम्मान राकेश जी पारिक साहब और हमारे युवा नेता संग्राम सिंह जी गुजर साहब से कि वो पायलट साहब का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर अभिनंदन करें। एक युवा मंडल की ओर से सामूहिक माला के साथ में स्वागत किया जा रहा है सबकी तरफ से, और ये गुलाब के फूलों की बरसात, अभिनंदन, स्वागत, आभार। मेरा निवेदन है जितने भी कैमरामैन मंच पे है वो सब सामने चले जाएं। उधर से प्लीज निवेदन है, सामने भी लाइव के कैमरे लग रहे हैं, सबको देखने दीजिए। निवेदन है कैमरामैन, या तो सब बैठ जाओ अपनी जगह पर, या तो बैठ जाएं, निवेदन है, या पीछे की तरफ चले जाएं। सबको देखने दीजिए, पीछे भी लाइव के कैमरे चल रहे, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है। आइए आदरणीय संग्राम सिंह जी गुजर साहब, संग्राम सिंह जी गुजर साहब और विधायक महोदय सापा बंधवाकर, राजस्थान का आन बान और स्वाभिमान का प्रतीक, राजस्थानी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन करें पायलट साहब का, एमएलए साहब और संग्राम सिंह जी। अलग अलग ये स्वागत और अभिनंदन, जिस माला में, जिस साफा में सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के वचनों की वचनबद्धता है, भगवान श्री देव नारायण की अद्भुत कृपा और महिमा है, जिसमें मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री संग्राम सिंह जी गुजर को। श्री संग्राम सिंह जी कृपया मंच पर पधारें, अपना आसन ग्रहण करें। हमारे युवा नेता श्री संग्राम सिंह जी कृपया पधार कर अपना स्थान ग्रहण करावें। मैं संग्राम जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, विधायक महोदय से कि पायलट साहब को साफा पहनाकर अभिनंदन करें। अभिनंदन, और हमारे जितने भी उनके साथ पधारे सम्मान चाकसु के विधायक वेद प्रकाश जी सोलंकी, पूर्व मंत्री राजेंद्र जी चौधरी और सम्मानित लोगों का, हमारे दोनों जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उन ब्लॉक अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि आप स्वागत करें हमारे अन्य मेहमानों का, जो हमारे मसूदा भिनाय के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो अन्य मेहमानों का जो हमारे पायलट साहब के साथ पधारे हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और स्वागत के बाद में एक विकास कार्य की पुस्तिका को लोकार्पित करेंगे, और हमारे अमोलक जी सरोपा और दुपट्टा भेंट कर रहे हैं पायलट साहब को। चारों तरफ से स्वागत सत्कार का एक अद्भुत उत्साह नजर आ रहा है। ये एक महबूब नेता का एक ऐसा सम्मान जिस सम्मान के वो हकदार भी हैं, जिनकी लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोलती है, ऐसी दीवानगी, ऐसा स्नेह, ऐसा समर्पण, जयपुर से लेकर विजयनगर की धरती तक एक अद्भुत सैलाब। सुबह 9:15 से निकले पायलट साहब, 2:15 पूरे 5 घंटे के सफर में, जो 2.5 घंटे के सफर को 5 घंटे में जनता के प्यार और स्नेह से पूरा किया है। हर जगह पर सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके स्वागत के लिए, और एक बड़ा साफा संग्राम सिंह जी और विधायक महोदय की ओर से, पूरी जनता की ओर से, जिस अंदाज में पायलट साहब साफा बांधते हैं उस अंदाज का साफा बांध कर स्वागत कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी रफ्तार उनकी है साफा बांधने की, काम करने की, सकारात्मक ऊर्जा की, उत्साह की, उमंग की। और ऐसे उत्साह उमंग से सरोबार हमारे महबूब नेता सचिन पायलट साहब, एक शानदार अंदाज के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। आदरणीय संग्राम सिंह जी गुजर साहब, जो लगातार कई दिनों से इस कार्य को सफल बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की टीम के साथ में लगे हैं,
ऐसे नेता के प्रति या तो किसी के बन जाओ या किसी से बना कर रखो। उन दोनों बातों पर खड़े उतरने वाले भाई संग्राम सिंह जी गुर्जर साहब का बहुत अभिनंदन। और विधायक महोदय ने जिस तरीके से राकेश जी पारिक ने मसूदा विधानसभा को विकास के एक नए प्रगति के पथ पर लेकर आए हैं, वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। आपका बहुत सारा स्वागत, बहुत अभिनंदन। आइए एक बार डिजिटल वाले रेडी हैं, लोकार्पण वाले रेडी हैं ना भाई, एक बार स्वागत सत्कार को अवधेश जी स्वागत पालों का फ्री करो। ये लगातार अब मालाओं के साथ में स्वागत अभिनंदन हो रहा है। जल्दी फ्री कराओ मन से, स्वागत आभार अभिनंदन और सबका बहुत आभार, सबका स्वागत। मेरा निवेदन है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश पदाधिकारियों सबका अभिनंदन है, स्वागत है। समाज की तरफ से हमारे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष माननीय पुरुषोत्तम जी गुर्जर साहब, हमारे पीसीसी मेंबर और खेल बोर्ड के मेंबर भाई हरीश जी यादव और तमाम साथियों का, हमारे चाकसू के लोक लाडले विधायक वेद जी सोलंकी साहब का, सबका स्वागत। संग्राम सिंह जी पूरी टीम से निवेदन करूंगा कि अब सबके स्वागत के बाद एक बार सब लोग व्यवस्थित हो जाएं। बहुत ऐतिहासिक दिन आज का, 24 अगस्त का दिन, नए जिले ब्यावर के मसूदा विधानसभा के विजयनगर का स्वर्णिम अध्याय है। और यह स्वर्णिम अध्याय किसान कौम के स्वाभिमान और सम्मान का दिन माना जाएगा, जिस दिन CWC यानी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के केंद्रीय समिति के मेंबर बनने के बाद पहली बार मसूदा आगमन पर जिस तरीके से जनता जनार्दन गांव-गांव और ढाणी ढाणी से यहां पर अद्भुत और अपार जन सैलाब के रूप में उमड़ी है, उसका अभिनंदन, स्वागत, आभार। ये जनता रंग बिरंगी पंगड़ियों में सजी, हमारे वरिष्ठ जन मंगल गीत गाती, हमारी महिला शक्ति और पायलट साहब के प्रति अद्भुत जुनून रखने वाले युवाओं को जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन, स्वागत। एक बार मैं चाहूंगा कि पायलट साहब मंच से आपको देखें कि आपकी दोनों हाथों की तालियों के साथ पायलट साहब का अभिनंदन। एक बार पायलट साहब को दिखाओ कि दोनों हाथों की ताली आपकी, दोनों हाथों से तालियां, ये आगे वाले कार्यकर्ता भी एक बार अद्भुत सैलाब के साथ में अभिनंदन, स्वागत। और अब मैं निवेदन करूंगा सम्मान्य पायलट साहब से, सर आप माननीय, आपकी मेहरबानी से विधायक राकेश जी पारिक साहब के नेतृत्व में जो विकास कार्यों की गंगा मसूदा विधानसभा में बही है, उद्घाटन को करो, उसके मुख्य सूत्रधार में, मुख्य केंद्र में आपकी प्रेरणा है। आदरणीय सचिन पायलट साहब से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप अपने हाथ से रिमोट दबाकर डिजिटल रूप से आज 600 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और 13 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण जनता के लिए करें। आदरणीय महबूब नेता श्री सचिन पायलट साहब के कर कमलों से आपके बीच में ये सड़कों का उद्घाटन, शिलान्यास, लगातार एक अद्भुत पंचायत समिति भिनाई में वर्ष 2022-23 में विधायक कोष से 90 लाख रुपए की स्वीकृति का उद्घाटन है। कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अजमेर विधानसभा क्षेत्र मसूदा में अब तक 12.5 करोड़ का कार्य शिक्षा विभाग की तरफ से हुआ है। PWD विभाग की ओर से मसूदा विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी के प्रियासुर पायलट साहब की मेहरबानी से 186 करोड़ 200 करोड़ की सड़कें मसूदा विधानसभा को मिली है। विधायक कोष से 15 करोड़ रुपए के कार्य MLA फंड से करवाए गए हैं। पंचायत समिति मसूदा को वर्ष 2019 से 2023 तक 562 लाख रुपए की सौगात विधानसभा क्षेत्र मसूदा और उद्घाटन के लिए जो प्रस्तावित कार्य MLA लैंड से वो 50 लाख रुपए के हैं।
इसी तरीके से ब्लॉक भिनाई में 2019 से 23 तक 729 लाख रुपए के और भिनाई में ही 2 करोड़ रुपए के एमएलए लैंड से जो कार्य हुए हैं उन सब का अभिनंदन। एक बार आदरणीय पायलट साहब के लिए, सम्माननीय विधायक महोदय के लिए, राकेश जी पारिक साहब, राजेंद्र जी चौधरी, वेद प्रकाश जी सोलंकी, संग्राम सिंह जी गुजर, पुरुषोत्तम जी फागड़ा और तमाम मंच के लिए एक बार जोरदार तालियों से आपकी अभिनंदन स्वागत के लिए। और अब स्वागत सत्कार के बाद एक बार निवेदन, पूरे मसूदा विधानसभा क्षेत्र और 3 जिले जो अजमेर जिला, केकड़ी जिला, ब्यावर जिला और जयपुर से लेकर संपूर्ण राजस्थान के कोने कोने से चाहने वालों का एक लंबा सिलसिला इस मंच पर है और सामने अपार जन सैलाब ने आदरणीय पायलट साहब की लोकप्रियता को हम सब के बीच में यशोगान किया है और उसका गौरव बढ़ाया है। हम निवेदन करेंगे मसूदा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और सचिन पायलट साहब के वरदहस्त सम्माननीय श्री राकेश जी पारिक साहब से, आदरणीय विधायक महोदय राकेश जी पारिक, स्वागत संबोधन के लिए और आइए एक बार आप सब लोग विराजें। भारत माता की। और पायलट साहब की तरफ से, हम सब की तरफ से, कल जो हमारा भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो कंप्लीट हुआ है उसके लिए इसरो के महान वैज्ञानिकों को और देश भर के लोगों की दुआओं को सलाम करते हुए देश की अद्भुत सफलता लेके भी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। किसान अन्नदाताओं को सम्मान करना, उनके स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए आदरणीय पायलट साहब ने अजमेर से जनसंघर्ष और आशीर्वाद यात्रा जयपुर तक निकाली। भ्रष्टाचार के खिलाफ और किसानों को न्याय देने के लिए आप शहीद स्मारक पर मान अनशन भी किया और आज मसूदा विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायत समितियां भिनाई, मसूदा, और विजयनगर, तीनों पंचायत समितियों के 12 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ट्रैक्टर भेंट करने के लिए मैं आदरणीय पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र के 12 जीएसएस अध्यक्षों को, 12 किसान अन्नदाताओं को एक एक ट्रैक्टर सरकार के अनुदान से ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से दिया जा रहा है। तो कृपया आप अपने हाथों से किसान अन्नदाताओं को चाबी देकर उनका मान सम्मान बढ़ाएं और उनको चाबी देकर जो मैं नाम निवेदन कर रहा हूं, विजयनगर पंचायत समिति की पड़ांगा, सिखरानी, लोडियाना और देवास ग्राम सेवा सहकारी समिति, मसूदा की देवमाली, बेगलियावास, माइला, सतावड़िया जीएसएस और भिनाई की बांधनवाड़ा, छचुंदरा, धातोल और भिनाई, आप माननीय राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार किसानों को खेतों की बुआई और जुताई हेतु ग्राम सेवा सहकारी समिति कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, जिसमें 8 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है, तो 8 लाख रुपए की लागत के ट्रैक्टर जो है, तो उनको ट्रैक्टर की चाबी देंगे। लेकिन उससे पहले एक बार अपन इस मंच से हमारे बीच आए हुए महबूब नेताओं के हम संबोधन सुनेंगे, किसानों और जवानों के स्वाभिमान और सम्मान की बात रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पायलट साहब के निकटतम सहयोगी और चाकसू के विधायक सम्माननीय वेद प्रकाश जी सोलंकी कि आप प्रभावी रूप से पायलट साहब की उपस्थिति में अपार जन सैलाब को संबोधित करें। सम्माननीय वेद प्रकाश जी सोलंकी।
परम सम्मानीय हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता पायलट साहब, आपके इतने स्थानीय विधायक सम्मानीय पारिक साहब, भाई संग्राम जी मंच पे विराजमान, पूर्व मंत्री राजेंद्र जी, भाई महेश जी, पूर्व विधायक हमारे मेवाड़ा जी मंच पे उपस्थित, तमाम अतिथि साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे साथियों से कि पत्रकारों के सामने जो लोग खड़े हैं, जो मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके सामने से कृपया हटें तो हमारे इस कार्यक्रम को चार चांद लगेंगे। यह आपका कार्यक्रम है, आप लोगों अनुशासित रहें, कृपया थोड़ा नीचे बैठ जाएं या हट जाएं। साथी बोले सचिन पायलट, सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। सम्मानीय पायलट साहब, जब रास्ते में आ रहे थे, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं मसूदा क्षेत्र की जनता को, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद के क्षेत्र के अंदर आ गए। इतनी जगह स्वागत हुआ और इतना स्नेह और प्यार मसूदा की जनता ने दिया जो लगा नहीं। जिस तरह से टोक में गए थे अभी चार दिन पहले, उसी तरह से मान और सम्मान सचिन पायलट जी के लिए हजारों की संख्या में रोड पे जो लोग उपस्थित थे, इसके लिए मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से आपके मसूदा क्षेत्र की तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और विशेष रूप से रास्ते में जितने लोगों से पूछा, बता रहे थे संग्राम जी चार पांच दिनों से लग रहे हैं, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता लग रहे हैं, विधायक साहब की टीम लग रही है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं साथियों, आप सिर्फ सुनने के लिए सचिन पायलट जी को आए हैं, इतने ज्यादा विकास के काम हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मान्य पारिक साहब ने कराए, जिसको गिनते गिनते अभी रात हो जाएगी, 1300 करोड़ रुपए के काम की गिनती अभी कराई और सम्मान्य पायलट साहब के हाथों से उनका लोकार्पण करवाया। सम्मान्य पायलट साहब पूरे राजस्थान की धरती पर जहां जहां जाते हैं, उसी तरह से जन सैलाब जैसे मसूदा के अंदर है, पूरे राजस्थान के अंदर जन सैलाब उमड़ के आता है। और विशेष रूप से ये तो आपका निर्वाचन क्षेत्र रहा है, यहाँ की जनता ने सदैव आपको प्यार और पूरा सम्मान दिया है, लेकिन जिस तरह से जब चुनाव आ रहे हैं, पूरे सभी साथी जब टिकटों के अंदर लग रहे हैं, फिर भी इस मसूदा की क्षेत्र की जनता, तमाम साथी आपके स्वागत करने के लिए आए हैं। इसलिए चाकसू के नहीं, पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता हमेशा आपके साथ में, जहां जहां आप सड़कों पर निकलते हो वहां वहां आपको खड़े मिलते हैं। और ये अब सोचने की आवश्यकता नहीं है, पिछले 3 दिनों के अंदर सामान्य पायलट साहब आपका ये दौरा रोआ, राजस्थान में सरकार आने से अब कोई रोक नहीं सकता, राजस्थान सरकार की स्कीमें हैं, वरिष्ठ नेताओं का सहयोग है और पायलट साहब इसी तरह से पूरे राजस्थान के अंदर अगर आपका चेहरा घूमता रहा तो राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान के अंदर जहां जहां आप जाएंगे, आपके अंदर वो ऊर्जा और ताकत है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करती है। मैं तो इतनी बात कहते हुए सभी लोग आपको सुनने आए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक को, पारिक साहब को, भाई संग्राम जी को, कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने कराकर इस मसूदा के क्षेत्र के लिए इतने ऐतिहासिक काम कराए, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सिर्फ यही कहना चाहते हैं तमाम साथी जो मंच पे विराजमान है और तमाम साथी जो मंच पे विराजमान नहीं है, ये साथी आपके पसीने के साथ हैं, आपके पसीने की जो भी आपकी खुशबू आएगी, ये साथी आपके साथ में सब लोग खड़े रहेंगे। यही बात कहते हुए एक बात फिर दोहराता हूं, राजस्थान में एक ही आवाज है कि राजस्थान के जब कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो एक ही बात सुनने की मिलती है कि राजस्थान में नौजवान चेहरा है। और अशोक गहलोत जी जैसा हमारे पास मार्गदर्शक भी है, जब सब लोग साथ मिलकर चले गए तो सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता और कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी, यही कहना चाहता हूं। माननीय सचिन पायलट, सचिन पायलट, पायलट साहब के लिए संघर्ष कौन करेगा, पायलट साहब के लिए संघर्ष कौन करेगा, सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
राजस्थान सरकार के पूर्व चिकित्सा मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी चौधरी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो पधारे और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय चौधरी साहब। बोलो भारत माता की। भाई मजो नहीं आयो छाबड़ा साहब पाचो। बोलो भारत माता की। सचिन पायलट राम राम सा। आज रे विजयनगर रे इन विशाल किसान सम्मेलन रा मुख्य अतिथि राजस्थान रा पूर्व उप मुख्यमंत्री पूर्व प्रदेश कांग्रेस रा अध्यक्ष अजमेरू निर्वाचित पूर्व केंद्रीय मंत्री और कार्य समिति रा अबार निर्वाचित सदस्य सम्माननीय सचिन पायलट साहब मसूदारा विधायक और मारा मित्र मारा साथी राकेश पारिक जी भाई संग्राम जी गुजर महान योद्धा जिका मसूदा में मेहनत करी राकेश जी ने विधानसभा में पहुंचाया और आप सब लोग पदारियोड़ा किसान बंधुओं माताओं बहनों और नौजवान साथियों आज 1300 करोड़ रुपया का विकास कार्य राकेश पारिक जी अटे सचिन पायलट साहब रे हाथों यानो उद्घाटन करवायो। आप इन मसूदारी धरती माते विजयनगर में आज जनता रो सैलाब उमड़ियोड़ो है। मैं रस्ते में आवता माने कहो कि आज इतनी भीड़ में क्यों की करे क्या साहब पायलट साहब आ रही है विजयनगर में इन वास्ते मैं जा रही हूं लुगाया बूढ़ी 80 साल की डोकरी ने मैं नाश्ता देखियो 80 साल की डोकरी ने ओ जज्बो है इनू अंदाजो लगा लो। और ओ कारण किनोई हक जिको वे और किनोई हक भी ने नहीं मिले तो गांव रा आदमी भी बिने हाथे वे और दूजा लोग भी हाथे वे राजस्थान की जनता। आज हूं लगभग 5 साल पहले राजस्थान रे मायने जिन टाइम रा चुनाव हुआ पायलट साहब कांग्रेस रा अध्यक्ष हा मैं याने हाथे प्रदेश कांग्रेस रो उपाध्यक्ष हो पूरे राजस्थान में दौरा करिया किसान न्याय मार्च निकालियो झालावाड़ ऊपर हूं लेने और एक माहौल बनियो पूरे राजस्थान के मायने लाठियां खाई पायलट साहब और 21 सीटा माते जिकी अपनी कांग्रेसी सरकार बिन टैमरा ही पहुंचोड़ी यूं समझो डूबगी ही जो भें पानी में जावे नहीं जो गई प्री सरकार अपनी और मेहनत पायलट साहब करी राज बनियो और राज बनिया रे मायने बाद रे मायने जिको फैसलो होयो अशोक जी मुख्यमंत्री बनिया पायलट साहब डिप्टी सीएम बनिया पायलट साहब पार्टी रो आदेश शिरोधार्य मानियो पार्टी रा बहुत निष्ठावान सिपाही है इन बात ही थे तालियां बजाओ सब निष्ठावान सिपाही। और 6 महीना बाद में ही चुनाव हुआ लोकसभा रा राजस्थान रे मायने 25 सीटा ही लोकसभा री 25 सीटा रे मायने भैंस पानी में गई परी 25 री 25 सीटा मुख्यमंत्री जी रो बेटो मैं जोधपुर रो हूं बटे 3 लाख हूं हार गया वे आप रे बूथ माते हार गया सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में 44,000 हूं हार गया है तो वोटिंग आंकड़ा है मैं मारी मर्जी हूं नहीं बोलू। और आज हालात चुनाव रहा है अपने सामने देश रा प्रधानमंत्री
जिका असत्य अलावा सत्य तो बोले ही नहीं, असत्य ही बोले, झूठ रे अलावा की बोले नहीं। किसाना राते अन्याय करियो, सभा ने ठाए सासो किसाना री सादत हुई। सतपाल मलिक साहब गवर्नर हार बे मोदी जी ने कहो कि आप गलत कर रहे हो, और आखिर हाथ जोड़ने माफी मांगनी पड़ी किसानों, वे कानून पाचा लिया। पायलट साहब री जिकी निष्ठा पार्टी रहते, जिको भी केंद्रीय नेतृत्व, चाहे राहुल गांधी जी री पदयात्रा ही विनमय ने पूरो भाग लियो शुरू लेने आखिर तक, और चेहरो जिको है याने चेहरे माते एक बात है। पायलट साहब आप रे चेहरे ने देखने लोगारा दिया जड़े है, जानो तेल खत्म नहीं हुए, आ कहनी चाहूं। और विनो कारण है के जोश हूं और सच्चाई रे आते हैं, और एक बात है के सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता, और ये निर्णय आ गया है। और मैं आपने कहनी चाहूं क्रिकेट रे मायने एक रन दो रन तीन रन और एक वे चौको, और विने बाद में वे छक्को, पर पायलट साहब बॉल ने अड़ी मारी है जिकी मैदान ही बारे ठेठ ठेठ बारे, मैदान ही बारे गई बॉल, और जोश पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं और देश रे मायने है जोश। अटे तो आपकी भी बात कर लो, कह तो यहाँ समर्थक है फलानो है, बेंगलोर जावे तो भीड़ वे, केरल जावे तो भीड़ वे, महाराष्ट्र जावे तो भीड़ वे, देहरादून जावे तो भीड़ वे, आप बताओ आप भीड़ आवे कटू, क्योंकि यानो यानी राष्ट्रीय स्तरीय जिकी नीतियां है भारतीय जनता पार्टी री विनय कंडेम करे और बदनीयती नहीं करे, पूरा तथ्य हाथे बात करे, और आम जन और नौजवान आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रे मायने जावे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जावे लेक्चर देऊ ने, कैम्ब्रिज में जावे, आप अंदाजो लगाओ कि आपनो नौजवान नेता राजस्थान रो जिन्हें इंटरनेशनल स्तर रे माते मान्यता है। मैं इन विजयनगरी धरती माते पायलट साहब आप रो हार्दिक स्वागत करूं, और जनता बाढ़ जो रही है आप रिया आओ ढोल ढमकाते, राम राम साहब, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आज की इस किसान महासम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए माननीय संग्राम सिंह जी गुजर साहब की जो मेहनत निष्ठार युवाओं की टीम वर्क है उसको सलाम और निवेदन करूंगा। हमारे प्रिय समाज सेवी युवा नेता और पीसीसी मेंबर भाई संग्राम सिंह जी गुजर साहब को कि आप पधारे और हम सबके बीच में जोरदार तालियों से संग्राम सिंह जी गुजर साहब। भारत माता की। इस विजयनगर की पावन और पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। पधारे मेरे 36 जाति बिरादरी के मेरे पिता के समान पूजा करने के लायक मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं और बहनों और तमाम मंच पे विराजमान सम्मानित मंच पत्रकार बंधुओं, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के नौजवान नेता किसान और गरीब और मजदूर की आवाज, हमारे हिंदुस्तान के कोहिनूर सम्मान्य पायलट साहब, इनका जोरदार ताली के साथ पायलट साहब का सम्मान और स्वागत करें, एक बार जोरदार तालियों के साथ और स्वागत करना है कि हिंदुस्तान के हमारे कांग्रेस पार्टी में पायलट साहब CWC के मेंबर बनने के बाद पहली बार विजयनगर और मसूदा की धरती पाए, इनका जोरदार तालियों के साथ सम्मान और स्वागत सम्मान्य पायलट साहब का। आज इस मंच पे हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मान्य बड़े भाई पारिक साहब, सम्मान्य विधायक वेद प्रकाश जी, तमाम साहब के साथ पधारे राजेंद्र चौधरी जी, और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं
के पायलट साहब ने हिंदुस्तान के नौजवान गरीब मजदूर की आवाज में लड़े लड़ी और आपने कंधे से कंधा मिलाकर सम्मान और स्वागत और रात दिन एक किया पायलट साहब के लिए। मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबका, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पायलट साहब का कि यहां से सांसद थे तो अजमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारे को हवाई अड्डा दिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सम्मान्य पायलट साहब का। देश की सबसे बड़ी केंद्रीय यूनिवर्सिटी किशनगढ़ के अंदर पायलट साहब ने दी है, और सबसे बड़ा काम हमारे गांव मजदूर और किसान के बच्चे बच्ची पढ़ने के लिए प्रत्येक स्कूल के अंदर 10-10 लाख रुपए देकर कंप्यूटर लगाए, उस सही में पायलट साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं पायलट साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, सबसे बड़ा काम आज आप सब लोग किसान माता बहन मजदूर बेटे हैं, जब भारत सरकार में कंपनी मामलात के मंत्री थे पायलट साहब, जब उन्होंने माननीय पायलट साहब ने कंपनी मामलात का सीएसआर फंड बनाया और करोड़ों करोड़ों रुपए महीने के गांव के विकास के लिए लग रहे हैं पायलट साहब, इतना बड़ा गरीब मजदूरों किसानों के लिए आपने काम किया, साहब का जोरदार तालियों के साथ सम्मान और स्वागत करें। और सबसे बड़ी बात, आप सबके आशीर्वाद से पायलट साहब लोकसभा के सांसद थे, इतना काम विकास कराया कि 543 सांसद में से पायलट साहब प्रथम स्थान पर हिंदुस्तान में अजमेर जिले को लेकर आए, पायलट साहब का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन पायलट साहब से छोटा सा निवेदन और अनुरोध करूंगा, इस जनता के मन की एक ही बात है पायलट साहब, आपने हमेशा इनके संग लिए संघर्ष किया, सब कुछ आपने दिलाया, लेकिन सबके मन में एक ही पीड़ा है कि हमारी सरकार सारे काम बढ़िया कर रही है, लेकिन रात के टाइम हमारी माता बहनें चूल्हा जलाते टाइम लाइट कट जाती है और हमारे सारी माता बहन नौजवान लाइट के लिए बहुत परेशान है। पूरे राजस्थान के अंदर गांव गांव ढाणी के अंदर एक ही आवाज है कि हमारी कोई सुनेगा तो हमारा भागीरथ माने पायलट साहब सुन सकते हैं इस बात को, तो मैं इन सब की तरफ से आपसे निवेदन करूंगा। दूसरा मेरा छोटा सा निवेदन है, गांव के अंदर हमारे बिजली की डीपी चोरी हो जाती है और बिजली विभाग हमारे किसान और नौजवान माता बहनों की जूतियों की स्वाद देता है, ये पायलट साहब आपको करवाना पड़ेगा कि किसान की डीपी जलते ही गांव के अंदर डीपी पूछे। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, आपके बीच में मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा और आप सबकी तरफ से पायलट साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारे साधन से कार्यकर्ता को आपने राजस्थान का सेवा दल का अध्यक्ष बनाया और आज 36 कौम की आवाज पे आपने आशीर्वाद देकर आपके साथ मंच पे बिठाया आप सम्मान्य एमएलए साहब का, आप लाख जोरदार तालियों से पायलट साहब का सम्मान और स्वागत करें। और विधायक साहब का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि गांव गांव डाणी डाणी में आपका आशीर्वाद से इस क्षेत्र के अंदर इतने काम करवाए कि आज दिन तक किसी ने नहीं कराया, वो सिर्फ आपकी देन थी। पायलट साहब का नाम था हमारे साथ, विधायक साहब ने आज विजयनगर का अस्पताल की काया पलट दी, पूरे विधानसभा में रोडे बना दी, माता बहनों के लिए पानी के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत करा दिए, विधायक साहब ने इतने काम कराए। मैं आप सब की तरफ से पुणे में पायलट साहब का आप लोग दोनों हाथ से ताली बजाकर सम्मान और स्वागत करें पायलट साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और आइए अब आपके बीच जिनका जिक्र हो रहा था पायलट साहब के वरदहस्त के रूप में, साधारण से कार्यकर्ता को सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा का टिकटर इस जनता ने विधानसभा में भेजकर, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से नुमाइंदगी आपकी की विकास कार्यों की सौगात दी, ऐसे लाडले विधायक सम्माननीय राकेश जी पारिक से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों के साथ में मसूदा विधायक राकेश जी पारिक। हेलो, राम राम साहब, मंच पे विराजमान राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, अभी हाल ही में बने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्य समिति के सदस्य, हमारे थोड़ा बोलो मत भाई, चुप रहो, हमारे
हमारे महबूब नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब। अब देखो थोड़ा नेता हूं सुन जो बात ना देख फिर साहब बोले थे नारा लगा दे तुझे घोड़ो बैठ जा लो। मंच पे विराजमान मेरे साथी विधानसभा में क्रांतिकारी नेता आदरणीय पायलट साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले वेद प्रकाश सोलंकी साहब, हमारे मंच पे विराजमान राजस्थान से आए हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण, मंच पे विराजमान हमारे मंच पे विराजमान हमारे तमाम नेतागण, मेरे सामने विराजमान युवा नेता, युवा साथियों, नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों और प्यारे प्यारे भाइयों, मैं सबसे पहले इस मसूदा की पावन धरती पर आदरणीय सचिन पायलट साहब का स्वागत करता हूं कि उन्होंने पायलट साहब ने जिस तरह मैं बिल्कुल आपके जैसे गांव का एक साधारण आपकी तरह खड़ा रहने वाला कार्यकर्ता था, मुझे आपके बीच में टिकट देके भेजा। हजारों लोग टिकट मांगने के लिए अभी भी चल रहे, बायोडेटा चलते हैं। मैं सेवा दल का पायलट साहब ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मुझे बिना जानकारी के बिना मांगे आपके बीच में सेवा करने के लिए भेजा। आदरणीय पायलट साहब, मैंने सेवक के रूप में पौने 5 साल तक इन लोगों के सेवक के रूप में हूं। तमाम जो इलाके में सरकार से जो काम कराए, कुछ अपने दिमाग से काम कराए, सारे काम आपके सामने आपने भी बटन दबाया है, आपका आशीर्वाद था और सब कामों पे आप आज मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करें। पायलट साहब, मैंने विधानसभा में भी बोला था, कि पायलट साहब पंचायत राज मंत्री हैं, पता नहीं ऐसा बजट पेश करेंगे जो कोई मिसाल कायम होगी। आप देखेंगे, मैं आपके सुनने की बात बोल रहा हूं, पायलट साहब ने विधानसभा में बजट में बोला कि नरेगा से 4 काम जोड़ दिए, हर गांव में 50 लाख का मॉडल तालाब, हर गांव का चरागाह का विकास, हर गांव के खेल मैदान के 25-25 लाख की नरेगा से बाउंड्री और हर गांव के शमशान घाट और कब्रिस्तान का काम हुआ है। और पायलट साहब, ये कोरोना काल उस आपकी नरेगा की देन था, ऐसी भयंकर महामारी जिसमें लोग परेशान हो रहे थे, जिनके धंधे रोजगार की कमी थी, उसी नरेगा की वजह से जनता ने आराम की सांस ली थी। आज जो भी उस योजना में हर गांव में काफी हमने खेल मैदान 100-150 अलाट कराए, यहाँ पे कैंपों में सब जगह बाउंड्रियां बन गई, ये सारी की सारी पूरे राजस्थान में आपकी देन है। आदरणीय पायलट साहब, मैं कांग्रेस का बरसों से सिपाही था, आपने मुझे ये जो मौका दिया है, इस जनता के आशीर्वाद से इस इलाके में जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, लेकिन मेरा विश्वास है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी विजय होगी। मैं तो सेवक के रूप में आया था, कोई मन में घमंड गुमान नहीं, पायलट साहब आपने मेरी गारंटी ली थी, कोई ऐसा काम नहीं कर बैठूं जिससे आपके ऊपर लोग उंगली उठाएंगे, पायलट साहब ये कैसे बदमाश आदमी को यहां ले आए। मैंने पूरी तरह से, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो और चाहे सेठ हो, हर 36 कौम के सेवक के रूप में मैंने सेवा करी है। मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने मुझे या मेरे इलाके में आप पधार के, मेरा कहीं का इलाका तो आपका ये पायलट साहब, इस हिंदुस्तान की जिस धरती पे जाएं पायलट साहब होते हैं। तो हम तो आपके सेवक यहाँ पर आए हैं, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रहे हैं,
मैं एक बार पुनः जोर लगा के कह रहा हूं, पायलट साहब जिसको भी आप कांग्रेस पार्टी से भेजेंगे उसको हम यहां से जिता के भेजेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आइए विजयनगर की इस पावन धरती से किसान महासम्मेलन को संबोधित करने के लिए, जिनके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम सब आए हैं, राजस्थान से लेकर हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता और किसानों के महबूब नेता, हम सब के आदरणीय सम्मानित श्री सचिन पायलट साहब, दोनों हाथों की तालियां आपकी अभिनंदन करने के लिए। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, बहुत आभार और अभिनंदन के साथ आदरणीय पायलट साहब। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से आप सबके लोकप्रिय विधायक राकेश पारिक साहब, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी साहब, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक पुष्कर से नसीम अख्तर जी, हमारे पूर्व विधायक ब्रह्मदेव कुमावत साहब, रामनारायण गुर्जर साहब, लक्ष्मीलाल जी, पूर्व विधायक नानूराम कुमावत साहब, हंगामीलाल मेवाड़ा जी, भूपेंद्र सिंह राठौड़ साहब, विजय जैन साहब, महेंद्र सिंह रलावता जी, हेमंत भाटी जी, महेंद्र शर्मा जी, हमारे ब्यावर से प्रत्याशी रहे पारस जैन साहब, कमल बाकोलिया जी, सचिन साकला जी, सुमित कालिया जी, आबिद कागजी साहब, संग्राम सिंह जी, वाजिब अली जी, सहदेव कुशवाहा साहब, मीनू कंवर जी, इस्माइल जी, जलालुद्दीन साहब, सरदार काठात साहब, कुंदन रावत जी, देशराज जी, प्रताप यादव जी, हरी सिंह जी, मंच पर हमारे तमाम मेहमान जो बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी हमारे पदाधिकारीगण, इस किसान सम्मेलन में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माताओं बहनों और पत्रकार बंधुओं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राकेश पारिक साहब का कि इन्होंने आज इस क्षेत्र में जो तमाम विकास के कार्यक्रम थे, विकास की योजनाएं थीं, उसका यहां पर उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, मुझे भी यहां पर आने का न्योता दिया। तो पारिक साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस विशाल किसान सम्मेलन को यहां पर आयोजित किया और मुझे विजयनगर दोबारा आने का मौका दिया। रास्ते में अनेक जगहों पर मैं रुका, सब साथियों ने स्वागत किया और वो सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। 2009 में जब पहली बार मैं अजमेर आया था चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि दौसा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित हो गया था, तो मैं 2009 में पहली बार अजमेर में आया था, तो बहुत से साथियों ने कहा कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जो इतिहास रहा वहां कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत ज्यादा मजबूत इतिहास नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा इस धरती में है जो मुझे वो खींचकर यहां पर लाया। और सच में 2009 में आप सब लोगों ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया, जो ताकत दी, वो आज भी मुझे याद है। यहां से सांसद रहे मुझे अब लगभग 10 साल हो गए, लेकिन जब भी मुझे आने का मौका मिला, कार्यक्रम में, चुनाव प्रचार में, लोगों से मिलने के लिए, वही प्यार, वही अपनापन, वही स्नेह मुझे मिला और वो आज मुझे देखने को मिला। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, विजयनगर का, मसूदा का, अजमेर के लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का। मैं बहुत से लोगों को देख रहा था जो 2009 में मेरे चुनाव प्रचार में काम कर रहे थे,
उनके कुछ कुछ बाल सफेद होने शुरू हो गए। उनके बच्चे पहले दूसरी चौथी में पढ़ते थे, अब कॉलेज में हो गए, कोई दादा नाना बन गए। लेकिन ये पीढ़ी और समय निकलता रहता है, लेकिन रिश्ता, जुड़ाव, अपनापन वो कभी टूटता नहीं। और मैं तो कहता हूं कि समय के साथ वो और गहरा होता जाता है। पूरे प्रदेश में मुझे जाने का मौका मिलता है। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, 5 साल लगातार आप लोगों ने मेरे साथ संघर्ष किया और हमारी पार्टी की सरकार बनी। आज फिर चुनाव हमारे सामने है, 3 महीने के बाद राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होंगे। और ये चुनाव तय करेंगे कि 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होगा उनके परिणामों बहुत भारी असर पड़ेगा। इन विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसका लोकसभा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पिछले 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, सरकार को जनता ने वोट दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बहुत सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनी। एक विश्वास लोगों ने दिया था भाजपा को। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 9 सालों में हर वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हमारी माताएं बहनें यहां पर मौजूद हैं, हमारे किसान भाई मौजूद हैं। हर वर्ग को वोट लेने के बाद सिर्फ पीड़ा, दुख और परेशानी देने का काम किया है। किसानों के 3 काले कानून बनाए, साल भर तक किसानों ने दिल्ली में राजधानी में धरना दिया, सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या करी, तब जाके इस सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया। अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, मुझे पीड़ा इस बात की है कि इस देश और प्रदेश में जो खाई है अमीर और गरीब की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज गरीब आदमी, गरीब किसान जो महीने में 10-20 हजार रुपए कमाता है, वो अपने 2 बच्चे पाल नहीं सकता। आज फल, फूल, साग सब्जी, जो भी चीज बाजार में मिलती है उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का मिल रहा है, टमाटर तो 200 रुपए किलो हो गया था। तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सरकार ने झूठे मुंह ये तक नहीं बोला कि हम कोशिश करेंगे, हम दाम कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं साहब, उनको मालूम है चुनाव आएगा तो भाषण देने पहुंच जाओ, भगवान का नाम लो, मंदिर का नाम लो, मस्जिद का नाम लो, हिंदू का नाम लो, मुसलमान का नाम लो और वोट ले लो। वोट लेने के बाद ना नौजवान को नौकरी मिल रही है, ना गृहिणियों के जीवन को बेहतर करने के लिए महंगाई को कम किया जा रहा है। विकास के नाम पर इतना बड़ा मुल्क हमारा है, ये जो विकास हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आम व्यक्ति को थोड़ा फायदा मिले। मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे, हम लोग नरेगा लेकर आए, गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आए, आयोजन ऐसा करते थे कि जो गरीब आदमी उसकी जेब तक पैसा पहुंचे। आज दुख की बात मुझे कहना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार एक ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी के पास है जो केंद्र में तो सत्ता में फेल हो गई और राजस्थान में विपक्ष में फेल हो गई। मैं परसों टोंक में गया था, वहां मैंने बोला, मैंने कहा यह भाजपा के नेता दिल्ली से आ रहे हैं और राजस्थान की बीजेपी को हिला हिला के जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी जगने वाली नहीं है। राजस्थान में बीजेपी का जो हाल है आपके सामने है। लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टी का एक बहुत बड़ा भूमिका होती है, सरकार की भी होती है, विपक्ष की भी होती है। दुख इस बात का है कि सदन के अंदर, विधानसभा में या सदन के बाहर, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं। जब दिसंबर में चुनाव होंगे, पिछले 25-30 साल से क्या हो रहा है, 5 साल सरकार कांग्रेस की बनती है, 5 साल भाजपा की बनती है, ये लगातार 5-5 साल का क्रम चलता आ रहा है। कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है इस बार कि 2023 में इतिहास रचा जाएगा और पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी। वो इसलिए बनेगी कि हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, राकेश पारिख साहब हमारे विधायक बनकर गए मसूदा से। इन 5 सालों में सचिवालय हो, मंत्री का घर हो, मंत्री का दफ्तर हो, उसके पीछे पढ़ पढ़कर पानी हो, बिजली हो, चिकित्सा हो, स्कूल हो, सड़क हो, जो भी हो, पारिख साहब ने उनके प्राण भी लिए मंत्रियों के, लेकिन आपके क्षेत्र में काम करवा कर लेकर आए हैं। मैं उनका बहुत साधुवाद देना चाहता हूं।
जब मैं सरकार में था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं सरकार में था तो मेरा भी कुर्ता छोड़ा नहीं, विधानसभा के अंदर सचिवालय के अंदर खींच के सड़क, हैंडपंप, बिजली, पानी, जो करा सकते थे मसूदा के लिए कराया। और मेरा भी मसूदा के प्रति दिल में खास जगह है, इसलिए जितना ज्यादा हो सका हम लोगों ने मसूदा विधानसभा क्षेत्र में काम कराने की कोशिश करी है। तो साथियों, इस चुनाव के अंदर बहुत सोच समझ कर हमें अपने मत का प्रयोग करना है। और मैं जानता हूं कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इस क्षेत्र से बहुत लोग चुनाव लड़ गए थे, लेकिन आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी जीत कर गई थी। और ये बात जो पारेख साहब ने बोली है मैं भी दोहराना चाहता हूं। तरह तरह की बातें आएंगी, कोई चर्चा करेगा, कोई संवाद करेगा, कोई घोषणा करेगा, कोई अफवाह फैलाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएगी और आपके दम पर जीतकर जाएगी। अब ऐसे जब चुनाव आते हैं उससे पहले, बहुत सारे चुनाव से ठीक पहले, चुनाव से पहले बहुत से नेता, बहुत से दल, बहुत से वक्ता अलग अलग जिलों में जाएंगे। और मैं जानता हूं कि अजमेर के अंदर भी बहुत सारे लोग या तो आ रहे हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव से पहले बात रखेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, और बहुत लोगों ने कोशिश कर ली। लेकिन आज इस सभा में जो भागीदारी आप लोगों की है, मैं डंके की चोट से कह सकता हूं कि 100 सुनार की और एक लोहार की। तो आप लोग 36 कौम के लोग मजबूती से साथ दो, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, जब जब मैंने समर्थन मांगा है आप लोगों ने भरपूर असीम आशीर्वाद हम लोगों को दिया है। आज भी हम लोग हर योजना, हर नीति, हर कार्यक्रम, हर बजट हमारा बनता है तो सबसे पहली चिंता हमारी होती है नौजवानों की मदद कैसे हो सकती है, किसान भाइयों की मदद कैसे हम लोग कर सकते हैं। और आने वाले समय में भी अगर हम सबको एकजुट रहना है, अपना इतिहास रहा है प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, उसको बरकरार रखना है। राकेश पारिक साहब आपके विधायक रहे, लगभग 4.5 साल हो गए, मैं भी पहली बार विधानसभा में गया, पंडित जी पहली बार विधानसभा में गए, हम दोनों विधानसभा में अपने अपने क्षेत्रों के लिए हमने काम किया, लेकिन उससे भी ज्यादा हमने संगठन पार्टी के लिए अपना काम और योगदान दिया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि पहले की तरह मजबूती से आप लोग एकजुट रहो और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत देकर यहां से जिताना। और ये बात मैं पहले कहकर जा रहा हूं, अब तो चुनाव का समय आएगा, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि जिस ईमानदारी से यहां पर काम हुए हैं, सब लोगों को साथ लेकर यहां पर एक आत्मीयता से, इंसान का आचरण होता है, उसका व्यवहार होता है, उसकी विनम्रता होती है, उसकी शैली होती है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राकेश पारिक साहब ने हमेशा एक विनम्र व्यक्ति के रूप में, जनसेवक के रूप में आपका काम किया है। इसलिए आज एक किसान सम्मेलन के माध्यम से ये संदेश पूरे क्षेत्र में जाना चाहिए कि सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। जहां तक मुझसे पहले वक्ता वेद सोलंकी जी बोल रहे थे, राजेंद्र चौधरी साहब बोल रहे थे, जोधपुर से आते हैं, बहुत सारी बातें बोली, लेकिन मैंने भी अपनी बात जब मुझे रखनी होती है मैं संकोच नहीं करता हूं, मैं बेबाकी से अपनी बात को रखता हूं। मुझे लगता है जो प्रदेश के हित में है, नौजवानों के हित में, संगठन के हित में, पार्टी के हित में, सरकार के हित में, उन बातों को मैं रखता हूं ताकि जनता की आवाज हम दिल्ली जयपुर तक पहुंचा सकें। आप सब लोगों से मैं उम्मीद रखता हूं कि आपसी हमारा भाईचारा और प्रेम है इसको बना के रखें। हमारे विरोधी दल के लोग हो सकता है ऐसी बातों को फैलाएं जिसमें आपस में टकराव हो या आपस में असहमति फैले, लेकिन आप समझदार लोग हो। आज जो विकास के काम हुए उसके लिए मैं पारिक साहब आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सैकड़ों करोड़ रुपए के यहां पर काम हुए, जनता को उसका लाभ मिलेगा।
और आप लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने हर समय समय कभी कभी राजनीति में अच्छा भी आता है बुरा भी आता है, ये तो गाड़ी का चक्र घूमता रहता है, क्यों मोलोक जी घूमता रहता है। तो अजमेर के लोगों ने, मसूदा के लोगों ने हमेशा हमारे को संबल दिया है, आशीर्वाद दिया है और ताकत दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यही प्यार प्रेम और आशीर्वाद आपका भविष्य में बना रहेगा। क्या करें, मैं दो बातें कहना चाहता हूं, जीवन में जो रात गई सो बात गई, जो समय निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई जानता नहीं है। इसलिए मजबूती से ताकत से एकजुट पर हम पात रहे और आने वाला समय आप लोगों का होगा, पार्टी का होगा, नौजवानों का होगा, किसानों का होगा। और आप लोगों को एक बार मैं सुनो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, दोनों हाथ खड़े कर कर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे, कांग्रेस पार्टी, माताएं बहनें भी हाथ खड़े करें, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सा। अब अभी आपके सामने अपने 12 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में, 12 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सरकार से 12 ट्रैक्टर आए हैं, उन ट्रैक्टरों की चाबी पायलट साहब उन सहकारी समितियों के ड्राइवरों को देंगे। आभार, स्वागत, अभिनंदन। और हमारे जो 12 ग्राम सहकारी समितियां हैं वो उन ट्रैक्टर चालकों को, यार कार्ड गिर गया यार, मिले हो तो पहुंचना, अरे यार इसमें बोलने की बात है, वीडियो वीडियो। तो पायलट साहब अपने हाथों से उन ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो 12 ट्रैक्टर जिनको दिए जा रहे हैं, खुद पायलट साहब उधर ही आ रहे हैं, एक बार निवेदन है कि जगह बना दीजिए। बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। ये तन समर्पित, ये मन समर्पित, ये जीवन समर्पित कांग्रेस पार्टी के लिए सम्मान्य पायलट साहब का जो समर्पण है, जो उनका लगाव है और जिस तरीके का आह्वान उन्होंने पार्टी के लोगों के लिए किया है, अब आपके बीच निवेदन है कि आराम से सर, ट्रैक्टरों की तरफ ही आप उधर ही, सर सामने ही है, ट्रैक्टरों के पास ही जाकर स्वयं पायलट साहब चाबी दे रहे। अरे शांति से, आराम से, आराम से। हेलो, भारत माता की, बहुत अभिनंदन, आराम से शांति और सम्मान के साथ, शांति और सम्मान के साथ अभिनंदन किसान अन्नदाताओं को। स्वयं पायलट साहब जाकर आप सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, हमारा के सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन।